एंड वेलकम अगेन। ये वीडियो अभी आज जो मेरे को न्यूज मिली है एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का बोर्ड है उसका रिजल्ट आ गया है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और मैं आपको बता दूं एसएससी और आईसीएससी में काफी सारी समानताएं हैं। अगर आपको याद होगा जो मुंबई हाईकोर्ट के अंदर केस चला था वो एसएससी और आईसीएससी दोनों के साथ में एक साथ चला था, और कैसे आप एग्जाम कैंसिल क्यों कर रहे हैं, रिजल्ट कैसे निकालेंगे, सारी चीजें मुंबई हाई कोर्ट के अंदर चली थी। इसलिए मेरे को काफी चीजें सिमिलर लगती हैं आईसीएससी और एसएससी के अंदर, नाम भी ऐसा ही कुछ लग रहा है बोलने के अंदर। ओके, तो आज एसएससी महाराष्ट्र का बोर्ड रिजल्ट निकला और मैं काफी चीजें पॉजिटिव उस महाराष्ट्र के रिजल्ट से यहां पे ले रहा हूं आप लोगों के लिए, आईसीएससी के लिए। जैसा कि हम लोग को उम्मीद है और मैं बार बार आपको बता रहा हूं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है आईसीएससी का, तो आज वो एक हिंट मिल रही है एसएससी महाराष्ट्र के बोर्ड से। अगर आप देखोगे एसएससी महाराष्ट्र के, आप भी नतीजे देख सकते हो, वहां पे 957 स्टूडेंट गोट 100% 100 out of 100% फुल मार्क्स, 100 के 100% उनके नंबर आए हैं। और जो पिछले साल के रिपीटर्स बच्चे थे लगभग 90,000 बच्चे थे जो वो भी सारे के सारे उनके अंदर भी लगभग 90% रिपीटर्स में से भी पास हो गए। और ओवरऑल रिजल्ट अगर आपको मैं बताऊं तो 99.76% ओनली 0.26% फेल हुए हैं। और वो फेल कैसे हुए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, किसी ने एग्जाम नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं करा, या कोई मतलब बिल्कुल किसी ने कोई चीज काम ही नहीं करा, स्कूल भी अटेंड नहीं करा, तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि वो कुछ बच्चे फेल हुए हों, जो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर डाले थे। लगभग सारे बच्चे जो स्कूल जो अटेंड कर रहे थे और जिन्होंने एक भी एग्जाम दिया 9th या 10th के अंदर, वो सारे के सारे बच्चे पास हुए हैं और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया 957 बच्चे 100% मार्क्स, जो कभी नहीं होता है, 100% मार्क्स नहीं आते, मैक्सिमम 99.something 2.5 तक ऐसा नंबर जाता है, लेकिन अब की बार 100% वो भी 957 बच्चों के आना आपको दिखाता है। सेम वहां पे भी कोई एग्जाम नहीं हुआ था, इवन वहां पे तो प्री बोर्ड वगैरह भी एग्जाम उन्होंने कंडक्ट नहीं करा पाए थे और सीधा सीधा रिजल्ट बना के दिया है। तो अब मैं आईसीएससी के ऊपर काफी होपफुल हूं और आप भी बिल्कुल होपफुल हो जाइए। ये एक आज से अच्छा शुभ चरण शुरू हुआ है आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिजल्ट की हम उम्मीद कर रहे हैं वो आईसीएससी भी देने वाला है। और बिल्कुल 100% मेरे को ये उम्मीद है कि आईसीएससी का रिजल्ट भी जो आएगा वो उसी तर्ज के ऊपर आएगा जो एसएससी का रिजल्ट आया है। जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, और यहाँ पे आपको मैं बता दूं आपके भी यहाँ तो आए हैं कुछ 957, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ हो सकता है आपके 5,000 से ज्यादा बच्चों की मेरे को उम्मीद है, क्योंकि उसी रेशियो से अगर हम लोग निकालें 5,000 से ज्यादा बच्चे आपके 100% के करीब तक पहुंचते हुए दिखेंगे। और 90% की तो मैंने आपको बताया था अब की बार 90 की बाहर आने वाली है, तो वो बिल्कुल पक्का होता हुआ दिख रहा है उस चीज से। पहले उड़ीसा का रिजल्ट आया था तो हमें थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन आज एसएससी का रिजल्ट आया है तो मेरे को काफी उम्मीदें हो गई हैं, और ये रिजल्ट आपके लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट मतलब साबित होगा, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसी तर्ज के ऊपर आप देख सकते हो, उसी तर्ज के ऊपर आपका रिजल्ट आने वाला है। तो यही एक न्यूज मेरे को हैप्पी न्यूज मिली थी, तो मेरे को बताना जरूरी था, तो मैं अभी आपको इसीलिए मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।